सोचो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप लैपटॉप खरीदना आपका एक सपना है और बहुत ही मुश्किलात से एक एक रुपया जोड़ के आप पैसे इकट्ठा करते हो सब मेरा अराउंड 20 से 25 हज़ार और आप जाते हो अमेज़ॉन पे। फिर आप लैपटॉप सर्च करते हो आपको दिखते हैं बहुत हाई प्राइसेस के लैपटॉप जैसे कि 35,000, 40,000, 50,000 ऐसे कुछ। फिर आपकी नज़र पड़ती है एक लैपटॉप के ऊपर जिसपे लिखा हो रीन्यूड और वो होता है सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये जो आता है 55,000 का लैपटॉप। जी हाँ, फिर आप क्या करते हो बिना कुछ सोचे समझे कुछ स्पेसिफिकेशंस देखे बिना और आपके एक लैपटॉप की जो फ़ोटो दिखते हैं वो भी आपका रॉ PNG होती है उसको आप देखे बस क्लिक करते हो बाय नाउ पे। बस यहीं से आपका सफ़र शुरू होता है सफ़र करने का। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगा रीन्यूड या रिफर्बिश प्रोडक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं ये रिफर्बिश प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। रिफर्बिश या रीन्यू ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी ने मंगा लिया हो पहले से अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, फिर उसको देख के चक्कर के या कुछ दिनों के बाद उसको वापस कर दिया या कुछ छोटी मोटी से दिक्कत आई हो तो उसको वापस करे, तब क्या करते हैं ये कंपनीज उस लैपटॉप को या उस फोन को उस प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें अगर कुछ भी छोटा मोटा एक दिक्कत हो तो उसको सही करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं फिर से थोड़े से डिस्काउंट प्राइस पे 10-20% का डिस्काउंट प्राइस पे एज ए रिफर्बिश्ड एज ए न्यू प्रोडक्ट ऐसा कुछ टैग लगा के। तो आप देख सकते हो अमेजोन में रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बोल के बिकते हैं, फिर फ्लिपकार्ट पे रीन्यू प्रोडक्ट बोल के बिकते हैं। फ्लिपकार्ट को तो बात हम बाद में करेंगे, फ्लिपकार्ट भी तो बहुत ही मतलब ऐसा कोई जाना माना हस्ती है ही नहीं, फ्लिपकार्ट में तो बहुत फ्रॉड्स होते हैं जैसे कि टिकिया मिल गए मतलब क्या बोलते हैं साबुन के टिकिया मिल गए ऐसे कुछ बहुत है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम मेनली फोकस करते हैं अमेजोन रिफर्बिश प्रोडक्ट के साथ। मैंने कुछ दिनों पहले कुछ महीने पहले मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, एक कुछ थोड़ी सी रील डाला था मैंने, जैसे कि मैंने एक अमेजोन से 20,000 रुपीज पे करके मैंने एक डेल का लैपटॉप रिफर्बिश मंगाया था। तो आज भी वो लैपटॉप अभी सेल पे है, बहुत सारे लोग उसको लेना चाहते हैं, मुझे उसमें कॉमेंट्स भी आए, फिर उसमें कुछ लोगों ने मुझे DM भी किया। अगर आप भी मुझे DM कर सकते हो नीचे इंस्टाग्राम के। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल था उसमें कि रिफर्बिश प्रोडक्ट लेना सही है या नहीं, इसको ले या नहीं, क्योंकि 20,000 बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, मेरे लिए तो भी बहुत बड़ी ही अमाउंट है। तो गाइस पहली बात मैं बता रहा हूँ, मैं सिंपल एंड शॉर्ट में मत लेना। मैं रीजन बताता हूँ क्यों मत लेना और मेरे साथ क्या क्या हादसा हुआ, मैं इसमें कैसे फ्रॉड में फंस गया, स्कैम बोल सकते हो फ्रॉड बोल सकते हो या इनकी लापरवाही बोल सकते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने 20,000 रुपए वैसे ही मतलब बर्बाद हो गए, ना लैपटॉप मिला हाथ को ना मतलब ये हुआ मतलब कुछ भी नहीं हुआ यार, 20,000 तो वैसे ही चले गए पानी में। अब जैसे मैंने लैपटॉप को ऑर्डर किया था वैसे मेरा प्लस प्राइम अकाउंट था मेरा, तो मुझे 3-4 दिन में लैपटॉप पे डिलीवर हो गया था। तो जैसे ही बॉक्स आया उसमें बहुत सारा बबल रैप तो होता ही है, वैसे भी सेकंड प्रोडक्ट अगर घूमगा तो बबल रैप होता है। फिर मेरा पहला इंप्रेशन ही वहाँ पे बहुत मतलब बहुत गंदा गया, क्योंकि लैपटॉप तो इतनी बुरी तरह से था वो, मतलब यहाँ पे वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स पड़े थे, फिर वहाँ पे कुछ पोछा वछा लगा के भीगे कपड़े से वो और मार्क्स पड़े थे। फिर चार्जर को तो आप बात मत ही करो, चार्जर पे तो स्टिकर्स होता है, स्टिकर के ऊपर से जो प्रिंटिंग्स होते हैं जितने वाट का चार्जर है उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं था चार्जर में। जी हाँ गाइस, लिटरली वो कुछ भी नहीं था चार्जर पे, इतना घिसा पटा हुआ था लैपटॉप था वो। मुझे पहले ही मतलब दिमाग ही खराब हुआ था, मैं तुरंत बैक फोन किया कस्टमर केयर को, मतलब उसको डिलीवरी बॉय को, फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मैंने रिटर्न करने का एक मेन रीजन ये भी था उसमें बैटरी ना बहुत गंदी बैटरी थी, जैसे मैं चार्जर निकालता तुरंत बैटरी डाउन हो गया, बैटरी मतलब लैपटॉप पूरा से और चलाता था, इसका मतलब बैटरी 3-4% ही बैटरी थी उसमें, इतना कुछ बैटरी उसमें था ही नहीं, मतलब लोकल बैटरी समझू या पूरी बैटरी डेड हो चुकी है वो समझू पता नहीं चला। फिर मैंने उसको फोन किया तो उन्होंने बोला 1 या 2 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि मुझे लैपटॉप मिला था सैटरडे के दिन, फिर सैटरडे तो शाम हो चुकी थी, फिर संडे था तो कोई काम करेगा नहीं, फिर मंडे मुझे उसको कॉल करना था। फिर सैटरडे संडे मैं 2 दिन लैपटॉप घर पे रखा, फिर मैंने यूज करके देखा विंडोज 10 तो उसमें एक प्री इंस्टॉल थी, उसमें कुछ ईमेल वगैरह था, वो कुछ उनका होता है वो सेकेंड सब खरीदते हो तो उसमें एक ईमेल वगैरह पूछते हैं ताकि आपको एक वारंटी के लिए वो साइन अप कर सकें, तो वारंटी उसमें होती वैसी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ वारंटी का भी क्या सच्चाई है उसमें, वो भी आपको पोल खोल देता हूँ इधर। तो मैंने लगातार 1 या 2 घंटे चार्जिंग लगा के ही यूज़ किया, तो उसमें पहली बात मैंने नोटिस किया था चार्जर तो बहुत गर्म हो रहा था, नॉर्मल यूजुअल से भी चार्जर बहुत गर्म हो रहा था, इतना गर्म हो रहा था कहीं फटना चाहिए इसमें। तो मैंने तुरंत चार्जर निकाला, फिर मैंने देखा 100% से बैटरी लाइफ गिर के एक ही बार में 80% हो गई, फिर मैं चाय वगैरह पी के आया तो बैटरी पूरा डेड हो गया, ऑफ पड़ा है लैपटॉप। मतलब मैंने सोचा क्या है यार, 20,000 रुपये मैंने देखे 1-2 ओवर भी नहीं हुआ फिर ये लैपटॉप है। फिर मैंने अपना पूरी भड़ास था कस्टमर केयर को फोन करके उतार दी उस दिन रात को ही, वो बोले फिर काम नहीं करेंगे, तो वही चला पूरा कॉन्वर्जेशन उस दिन के बाद।
तो उनका रिस्पांस तो बहुत ही घटिया था। मतलब एक बार में, 3 बार में, 4 बार मैंने कॉल लगा ही नहीं, मैं 10 बार ट्राई किया तब उनका कॉल जाके लगा। और कॉल लगने के बाद उन्होंने ट्रांसलेट करके, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको रिटर्न करेंगे ये करेंगे, वो उसने ये पूछा डायरेक्टली कि आप कस्टमर केयर को आप फोन किए हो, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हमने सेलर से बात करके फिर आपको कन्फर्मेशन देंगे। अब ये सेलर के पास जाएंगे, वो सेलर तो मतलब भाई साहब इतना वाहियात आदमी है, मैंने आज तक नहीं देखा इतना वाहियात आदमी, लापरवाह आदमी, 20,000 लेके लैपटॉप, इतना फालतू सा लैपटॉप भेजा है और उसका रिस्पांस भी नहीं आता टाइम पे। आप 100 बार कॉल करो उसका रिस्पांस नहीं आता। मैं अभी भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ आपके सामने। तो ये है उसका नंबर, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ये आता है जब मैं उसको कॉल करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच करें। काफी बार यही आता है प्रॉब्लम में, दूसरी बार उसमें ये बोलती है कि नॉट पिकिंग अप द कॉल, ऐसे कुछ आया था, मुझे पता नहीं रॉन्ग नंबर दिए रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। वो तो सेलर का डायरेक्ट नंबर था जो लैपटॉप पे लिखा था, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो इस पे कॉल करो। फिर मंडे आया, तो मंडे मैंने रिटर्न डाला था, तो वो आके अमेजोन से कलेक्ट करके गया। फिर मैंने पूरे 14 डेज वेट किया गाइस, 14 डेज, समझ सकते हो। जब तक मेरा पूरा काम पेंडिंग पड़ा था, कुछ भी काम नहीं हो रहा था, लैपटॉप नहीं था मेरे पास, क्योंकि ये पीसी भी मैं अलग कर रहा था पीसी में, लैपटॉप की तो बहुत जरूरत थी मेरी, तो लैपटॉप नहीं गया उस दिन। 14 डेज या 15 डेज के बाद, बाद में 16th डे मुझे लैपटॉप मिला दूसरा रिप्लेस होके। तो दूसरा मिला लैपटॉप भी इतना कुछ खास नहीं था उसमें, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है उसमें। मतलब सेम लैपटॉप को ने रिप्लेस करके दूसरा पीस मंगाया, तो दूसरा पीस भी वो मुझे ऐसे ही देते। मैंने उनको पूछा था साफ सीधा, प्लीज रिफंड मी, बट उसमें उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं किया, उन्होंने लैपटॉप रिप्लेस करके देंगे, आपको सही मिल जाएगा। अगर आप एक बार पे कर देते हो इनको, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके रिटर्न मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे गाइस। सीरियसली बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, मुझे दिमाग ही खराब हो गया इसमें, मेंटल हेल्थ में ना बहुत, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है इसमें। फिर रिटर्न जो लैपटॉप आया उसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बोल सकते हो, मतलब 10-20% का। इसमें क्या अच्छा था, लैपटॉप थोड़ा सा क्लीन था, फिर चार्जर वही बहुत गर्म होता चार्जर, उसमें भी कोई भी मतलब इतने चीजें नहीं है। मैं आपको चार्जर दिखाता हूँ एक मिनट। तो ये है उसका चार्जर जो मुझे रिटर्न मिला था, इस पे भी आप देख सकते हो कोई भी इसमें नंबर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक लाइट जलता है फिर चार्ज होता है, बस इतना ही था। ये था इसका चार्जर। लैपटॉप तो यार मैं तो रिपेयर के लिए देखे आया हूँ, मतलब इसमें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक प्रॉब्लम था। जब भी आप काम करते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, तो सडनली वो स्विच ऑफ हो जाता है। इसमें बैटरी की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मैं बोल सकता हूँ, पुराना लैपटॉप से बैटरी थोड़ी थी इसमें, वो भी चली गई गाइस, वो भी चली गई, मैं बता रहा हूँ इतना बुरा टाइम चला मेरा, वो भी चली गई बैटरी। मैं बताता हूँ क्या हुआ था इसमें। लैपटॉप तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम था उसमें, जैसे मैं मूंछ के रख दिया तो मतलब चला गया वो। फिर मैंने उसमें 1-2 महीने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप पे मैंने बहुत सारे काम कर लिए। अभी मुझे ऑफिस का काम करना था, तो मैंने लैपटॉप खोल के देखा उसको, एक वीक पहले मैंने ऑन किया तो ऑन नहीं हो रहा था वो। मैंने पूरी रात चार्ज डाली, एक दिन चार्ज डाली, 2 दिन भी चार्ज डाला, ऑन ही नहीं हुआ, चार्ज हो रहा है ऑन ही नहीं हुआ। फिर मैं रिपेयर शॉप के लिए लेके गया, लोकल शॉप पे, फिर मैं उसको कॉल भी किया कस्टमर केयर को, या उसको जो सेलर था उसको, उनका नंबर तब से यही आ रहा है जैसे आपने सुना अभी। तब मैं जाके उनको बात करूं, तो उसने मुझे प्रॉब्लम बताया कि इसमें एक पावर आईसी थी वो चली गई है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये लगेंगे। उसको रिप्लेस करने के बाद जो पहले वाला प्रॉब्लम था, जो स्विच ऑफ हो रहा था बार बार, वो प्रॉब्लम अभी भी उसमें वैसा ही है। तो उसको थर्मल वगैरह डाल के फिर से सेटअप करके फिर से ऑन किया, तो अभी भी वैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो उसे वो मतलब वो रिपेयर करने वाला बंदा खुद बता दिया, सर इसमें एक बार के बहुत प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो फिर मैं बताता हूँ। अभी लैपटॉप उसी के पास पड़ा है, आई डोंट थिंक सो लैपटॉप ठीक हो गया नहीं, मतलब 20,000 रुपये गए सो गए, इतना सारा प्रॉब्लम्स लेके मैं इसको बेचूँ किसे? अगर मैं ऐसा लैपटॉप बेचूंगा तो वो आके मुझे चप्पल लेके मारेगा तो जरूरी है। तो 20,000 रुपये गए, अब ये मुझे धोखा दे दिया है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा लैपटॉप बेच के। तो सच में रियली इट्स अ वेरी माइंड डिस्टर्बिंग थिंग, अब बिल्कुल मत खरीदना। तो बहुत बार आपने देखोगे इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज ज्यादा होते हैं। अब रिव्यूज का बहुत ही मस्त चक्कर है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ होंगे, स्क्रीनशॉट्स अगर हो तो मैं इधर डाल देता हूँ। लैपटॉप खरीदने के 3 या 4 दिन के बाद एक और एक बंदे का कॉल आता है आपको, आपने लैपटॉप सो एंड सो इससे खरीदा, आप हमें रिव्यू दे दो, फिर आपको स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको लैपटॉप की बैग आपको फ्री में दे देंगे, या हम आपको 100 रुपया 200 रुपया आपको टॉप अप कर देंगे। तो ये है रिव्यू लेने का उनका तरीका, मतलब देख सकते हो कितनी चालाकी से लोग रिव्यूज ले रहे हैं। तो बहुत ही सफाई के साथ ये लोग रिव्यूज खरीदते हैं, हम तो क्या मिडिल क्लास लोग हैं, छोटा सा स्क्रू भी हमें फ्री में दे रहे तो हम तो कर देंगे। तो मैंने पहले बात तो किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था इसके साथ, मैंने बोला उसको हाँ भाई मैंने कर दिया, आप मुझे भेज दो। फिर उसने मुझे बोला स्क्रीनशॉट भेज दो सारा, मैंने बोला आपके लैपटॉप में इतने सारे दिक्कत है, तो ये है वो है, तो उसने बताया आपको लैपटॉप के बैग हम दे रहे हैं फ्री से, वो कुछ भी मिला ही नहीं। अब जैसे ही आप उसको रिव्यू दे देंगे, उसको स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसने बोला ठीक है आपको 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा,
नहीं मिलेगा आपको, सच में बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा। अगर 10 लोग भी इसको रिव्यू दे रहे हैं, उसमें जाके ये 2 या 3 ही लोग जाके रिव्यू डिलीट करते हैं, बाकी के लोग वैसे छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेट होके। वो रिव्यूज वैसे ही पड़े होते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आपने दिया होता है तो वही रिव्यूज हैं इनके जो पूरे लिस्ट में होते हैं। आप देख सकते हो 4 स्टार 5 स्टार, मतलब ना घंटा अगर मैं इसको दे दूंगा 0 से -स्टार पे अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं दे दूंगा इसको, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अब इतने सारे बड़े वीडियो में आपने बहुत ही सुन लिया होगा मेरे बारे में, मैं कुछ भी बोला हूँ तो ऑनेस्ट रिव्यू यही है। अगर आपको सेकेंड्स में लेना ही है तो आप OLX में खरीद लो या कहीं जाके लोकल शॉप पे खरीद लो, 500 रुपए वो लेके दे देंगे, फिर OLX में डायरेक्ट डील करके ले सकते हो। मतलब रिफर्बिश्ड मत ही खरीदना फोन्स का, मुझे पता नहीं, मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब लैपटॉप्स तो मत ही खरीदना गाइस। लैपटॉप्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं, जैसे रैम हो गई, SSD हो गई। इसमें ना SSD डाल के दिया था इन्होंने 256 GB, वो भी मतलब उसका मैंने परसेंटेज चेक किया तो वो तो बस 37 या 40% ही उसमें एक्टिव है, बाकी का पूरा जंक फाइल्स पड़े हैं उसमें। फिर रैम मैंने देखा तो रैम तो इतनी लोकल रैम डाल के रखी, सैमसंग की रैम आती थी उसमें लैपटॉप में वो भी नहीं है, उसमें कोई चाइनीज कंपनी के रैम डाल के 8 GB की चिपका के रखा है, बाकी के 8 GB को उसमें कुछ भी नहीं है। बैटरी मैंने जैसे ही बताया, मैंने रिपेयर शॉप के पास जाके मैंने बैटरी का अगर पूछा तो उसने बताया सर आपने रखे वो बैटरी पूरे तरह से डेड हो चुकी है, वो वही प्रॉब्लम जो पहले लैपटॉप में था वही प्रॉब्लम। जब भी आप चार्जर लगाओगे तभी लैपटॉप ऑन होगा, वरना नहीं ऑन होगा। लैपटॉप ऑन भी हो रहा है तो भी मैं काम कर सकता हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम पता है क्या मेन प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट या 2-4 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर उसको ऑन करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेटिंग वर्क है सीरियसली, मुझे उसमें सर्वर्स इंस्टॉल करने थे, मुझे बहुत सारे ऑफिस का काम पड़ा था उसमें, अगर मैं ये लैपटॉप लेके होता सब काम करूं तो सीरियसली 1% भी काम होगा नहीं। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है, आप मत ही खरीदो, पैसे बर्बाद हो जाएंगे इसमें, पूरे 20,000 बर्बाद हो जाएंगे मेरे इसमें, मत ही खरीदो। अगर आप चाहिए तो सेकंड्स में खरीदना है तो मैंने बताया OLX में खरीद लो या कोई सेकंड शॉप में जाकर खरीद लो। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए से सेकंड्स लैपटॉप खरीदते कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे जरूर कमेंट करके बता देना या DM कर देना, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे जरूर, बट इसमें मत खरीदना। तो बस यही था आज के वीडियो में एक रिव्यू, आप जाते रहते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, हम ऐसे ही वीडियोस में आगे बनाते रहेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।